अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है श्री गिरपाल, आप देख रहे हो एसके न्यूज़। एसके न्यूज़ में आपका फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्या है ताज़ा खबर। आए हुए हमारे सभी उर्दू मराठी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथी, मैं मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ। और विशेष जो हमारे मनमाल से सभी मीडिया के साथी आए हैं, मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप एक शॉर्ट टाइम में आप लोग ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, मेरी विनती को मान रखा और आप आए, मैं आपको बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे साथ मेरे सभी साथी यहाँ पर, कई माजी नगर शिवम, कई हमारे नौजवान साथी, यूथ हमारे साथी बैठे हुए हैं। मैं आप सभी लोगों का बात शुरू करने से पहले वापस एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग जानते हैं कि मैं जिस परिवार से मेरा ताल्लुक है, शेख रशीद साहब मेरे वालिद हैं, और एक हमारा घराना जो है सियासी है, और 1984 से शेख रशीद साहब का राजकीय जीवन की शुरुआत एक नगर सेवक पद से शुरू हुई और कांग्रेस पक्ष के साथ आज तक है। और मेरा राजकीय जीवन, मेरा सियासी सफर 1999 में शुरू हुआ, जो मैं यूथ कांग्रेस का मालेगांव शहर यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी का मैंने पद संभाला, और यूथ कांग्रेस को और कांग्रेस पक्ष को बढ़ाने के अंदर मेरा एक बहुत बड़ा हिस्सा मालेगांव शहर के अंदर लगा। उसके बाद मैं 2002 में पहली मर्तबा नगर सेवक हजार खोली से चुनकर आया। उसके बाद 2005-2007 तक मैं मालेगांव महानगर पालिका, मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मेयर रहा। 2007 से 2012 तक दोबारा मैं काउंसिलर बना, कॉरपोरेटर बना, घटे नेता बना कांग्रेस पार्टी का। 2011 में मैं मालेगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी का सदर बना, अध्यक्ष बना, और कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने के अंदर जो संघर्ष मैंने किया वो शहर की आवाम के सामने है। 2014 में कांग्रेस पक्ष ने मुझे मालेगांव शहर विधानसभा का उम्मीदवार बनाया, और मालेगांव शहर की आवाम ने मुझको महाराष्ट्र असेंबली के अंदर भेजा, और उसके बाद 2019 का इलेक्शन मैं हार गया। लेकिन आप लोग और ये शहर इस बात का गवाह है कि मेरा पूरा जीवन शेख रशीद साहब के नेतृत्व में, पूरा जीवन मेरा राजकीय जीवन पूरा संघर्ष का रहा। चाहे वो नगर सेवक से लेकर आमदार तक, और आमदार रहते हुए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार के टाइम जो संघर्ष करा मैंने, वो आपके सामने है। मुस्लिम आरक्षण का इशू लेकर मालेगांव शहर से मुस्लिम समाज के युवकों को, मुस्लिम समाज के हमारी लड़कियों को, लड़कों को एजुकेशन के अंदर आरक्षण मिले, शिक्षण में आरक्षण मिले, उसके लिए 300 किलोमीटर की पद यात्रा। उसके बाद जब मोदी सरकार आई और जब मॉब लिंचिंग की वारदात पूरे देश के अंदर जब बढ़ने लगी, तो मालेगांव शहर से नासिक इंसानियत बचाओ, मानवता, एकता के लिए पद यात्रा नासिक तक गया। उसके बाद फिर मुस्लिम आरक्षण के लिए 2017 में उस कार्यकाल के अंदर फिर मैं आमदार था, तो भिवंडी से मुंबई। तो ये पूरा जीवन मेरा एक संघर्ष के लिए रहा, और कांग्रेस पार्टी को बहुत योगदान मैंने दिया। लेकिन
आज आप लोगों को पत्रकार परिषद बुलाने का मेरा जो उद्देश्य है, आज 8 फरवरी को मैंने ये फैसला किया हूं कि महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले साहब को आज मैंने एक मेल किया हूं, लेटर मैंने उनको रवाना किया हूं, और उसके अंदर मेरे निजी कारण मैं अब कांग्रेस पार्टी में काम नहीं कर सकता, ये मेरा निजी फैसला है, और इसके लिए मैंने कांग्रेस पक्ष से राजीनामा भेजा हूं, और कांग्रेस पार्टी से राजीनामा देने के बाद मेरे शहर के कार्यकर्ता, मेरे चाहने वाले, मालेगांव शहर की जनता, मालेगांव शहर की आवाम से जो भी आगे का पॉलिटिक्स में कहाँ रहना है, किस दिशा के अंदर जाना है, कौन से रास्ते पे जाना है, समाज के अंदर क्या काम करना चाहिए, 8 से 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर मैं पूरे शहर के हर वार्ड के अंदर जाकर मेरे चाहने वाले, मेरे हमदर्दों से मुलाकात करूंगा, उनसे राय लूंगा, और राय लेने के बाद जो शहर की आवाम, जो मेरा कार्यकर्ता, हमारे युवक, हमारी माँ बहने, जो शहर की आवाम बोलेंगी, शहर के हित में जो होगा, शहर का विकास जहाँ होगा, शहर का डेवलप जहाँ होगा, हमारे युवकों का फायदा जहाँ होगा, उनको रोजगार जहाँ मिलेगा, उनको आरक्षण जहाँ मिलेगा, अनेक प्रश्न मालेगांव शहर के हमारे मजदूर भाइयों के हैं, बुनकरों के हैं, ऐसे अनेक प्रश्न ओबीसी समाज के हैं, ऐसे सभी प्रश्नों को सामने रखकर मैं उनसे चर्चा करूंगा, उनकी राय जानूंगा, और उसके बाद आगे का मैं डिसीजन लूंगा। लेकिन आज मैं दोबारा इस बात का ऐलान करता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी से आज मैंने इस्तीफा दे दिया हूं, ये आप लोग भी नोट कर ले और मालेगांव शहर की आवाम भी इस बात को नोट कर, बस इतना ही बोलने के लिए आज की पत्रकार परिषद बुलाई। पीछे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से आपकी कुर्बत बड़ी, कई दफे मुलाकात की है, तो क्या राष्ट्रवादी में जाएंगे आप? राष्ट्रवादी ही क्यों, बहुत सारे पक्ष विचारधारा के, लेकिन मैंने एक बात एकदम साफ तौर पर कहा, ये देखो कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, भाजपा हो, या अदर पक्ष या अदर नेतागण, उनसे मिलना और शहर के विकास के लिए अगर मिलता, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसी पक्ष के अंदर जा। मैंने स्पष्ट ये बात कही कि शहर की आवाम, शहर का कार्यकर्ता जो बोलेगा मैं वो करने वाला, ये मेरा स्पष्ट ऐलान है। आज डिसाइड नहीं है कि मैं कौन से पक्ष में जाऊंगा, हो सकता मैं कोई पक्ष में ही नहीं जाऊं, हो सकता मैं इंडिपेंडेंट रहूं, लेकिन शहर की आवाम जो फैसला देगी, जो शहर का कार्यकर्ता बोलेगा मैं वो करने वाला। आपका पूरा परिवार इतने सालों से कांग्रेस से जुड़ा, अचानक ये फैसला लेने की वजह ऐसा है कि आज ही सब मैं बात बता दूंगा तो उचित नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मैसेज जाए, लोकल मीडिया के माध्यम से शहर की जनता को बात पता चल जाए, और मैंने कहा कि मैं कल से शहर के दौरे पर निकलूंगा, हर वार्ड में जाऊंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, और मेरी क्या समस्या थी, क्या वजह से मैंने कदम उठाया, मैं शहर की जनता के सामने रखने वाला। नाराजगी की कुछ तो वजह नहीं, नहीं, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के लिए बड़ा दुख भी हो रहा है, कांग्रेस पार्टी से बहुत मोहब्बत है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बहुत मोहब्बत है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अब कांग्रेस पार्टी में नहीं रहना चाहिए, और एक नई ऊर्जा के साथ कार्यकर्ता को साथ में लेकर काम, हमेशा हमने हमारी मन की किया, इस मरतबा कार्यकर्ता जो बोले वो करें। सुनने में ये आ रहा है कि जैसा आज आपने चौंकाने वाला फैसला लिया, ऐसा ही एक चौंकाने वाला फैसला आप लेने वाले हैं, और ऐसी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं, ऐसा है कि आपको 10-15 दिन वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, जब फैसला होगा तो आपको ही बुला के बोलना पड़ेगा ना। आपके इस्तीफे से कांग्रेस कमजोर तो नहीं होगी मालेगांव में? आपके वाली सदर हैं कांग्रेस के। ऐसा है, ये मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लिया हूँ, मैंने मेरी व्यक्तिगत
लिया हूँ। आज मेरे पास परिवार का कोई भी सदस्य आपके यहाँ नजर नहीं आ रहा मेरे सिवा। अब ये सारी बातें जो है मैं कार्यकर्ताओं से मशवरा करके आगे बढ़ूंगा, फिर उसके अंदर नुकसान और भी पार्टियों का हो सकता है। जरूरी थोड़ी है कि कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो जाए। ऐसा है कि बहुत विचार करके ये फैसला मैंने लिया। अगर मुझे दोबारा उसी जगह जाना होता तो मैं ये फैसला ही नहीं लेता। और मैंने मेरी भावना मेल के माध्यम से मेल कर दिया हूँ, पोस्ट से मैं लेटर भी भेज दे रहा हूँ और मुझे नहीं लगता मैं वापस हो सकता। अगर इस्तीफा कबूल नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बहुत सोच समझ के फैसला लिया हूँ, अब इंशाल्लाह आगे देखूंगा पीछे मुड़ के। राष्ट्रवादी काँग्रेस महानगर जिल्हा अध्यक्ष पद इथे रिक्त ठेवण्यात आलेले, ते पद तुमच्यासाठी रिक्त ठेवण्यात आलेले मला माहिती आहे। मला माहिती आहे सर, विषय ऐसा है, ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी का मैं सिर्फ विकास नीति के लिए, शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए मैं मिलता रहा, लेकिन पक्ष के संदर्भ में किसी भी पक्ष से कोई चर्चा नहीं हुई। मतलब साहब कोई तो वजह होगी जो आप कांग्रेस छोड़ रहे? वजह बताऊंगा ना, थोड़ा थोड़ा तुमको भी मटेरियल होना चाहिए ना। अभी आज ही सब मटेरियल लेंगे, फिर आगे क्या करेंगे? आसिफ साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद आसिफ साहब, जिंदाबाद 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 आसिफ साहब, जिंदाबाद आसिफ साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आसिफ साहब जिंदाबाद 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 आसिफ साहब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठीक है ठीक है, देखो जी रोल रोल साइलेंट। आप लोगों को पता है कि 1999 से मेरा राजकीय जीवन की शुरुआत हुई, सियासी सफर मैंने शुरू किया मालेगांव शहर यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी से लेकर एमएलए तक, नगर सेवक, महापौर, आमदार, कांग्रेस पार्टी का जिला अध्यक्ष तक का मेरा सफ़र रहा। और बहुत संघर्ष ये शहर के विकास के लिए, शहर के डेवलप के लिए, शहर के युवकों के डेवलप के लिए, शहर के नौजवानों के रोज़गार के लिए, शहर के और महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन मिले, आरक्षण मिले, एजुकेशन में, सरकारी नौकरियों में, भाजपा जैसी फिरका परस्त पार्टी जातिवादी पक्ष के खिलाफ में मालेगांव से नासिक तक का मॉब लिंचिंग की शुरुआत, भारतीय जनता पार्टी की इस हुकूमत के अंदर जो शुरू की गई उसके विरुद्ध में इंसानियत के नाम पर संघर्ष करना हो या गोर गरीब मजदूर बुनकर के लिए संघर्ष करना हो, शहर के विकास के लिए मेरा पूरा जीवन संघर्ष के अंदर गया और शेखर सिंह साहब की क्यादत के अंदर पूरा संघर्ष मैंने किया। लेकिन आज मेरी निजी कारण की वजह से मेरा निजी फैसला ये है कि मैंने आज कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और आगे कौन सी पार्टी में जाना है, कौन सी पार्टी में नहीं जाना है, या इंडिपेंडेंट रहना है, आज़ाद रहना है, इसका फैसला मैंने मालेगांव शहर के मेरे सभी नौजवान साथियों पर, मालेगांव शहर की माँ बहनों बुज़ुर्गों के ऊपर छोड़ दिया हूँ। और मैं कल से मालेगांव शहर के हर वार्ड में जाकर मशवरा करूंगा शहर की आवाम से कि शहर का विकास, शहर का डेवलप, नौजवानों को रोज़गार, मजदूरों को उनका हक,
बुनकरों को उनका हक किस तरीके से मिल सकता है, ऐसी सभी बातों को सामने रखकर जो मालेगांव शहर की आवाम, हमारे साथी, मेरे चाहने वाले कार्यकर्ता जो मुझे फैसला सुना देंगे, उनके फैसले के ऊपर मैं आइंदा अमल करूंगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने माजी नगर सेवक या हमारे नौजवान साथी या हमारे सभी साथी जो नज़र आए, ये कांग्रेस पार्टी के कोई भी पद पर या कोई भी सेल के पद पर नहीं है, कोई भी ओहदे पर नहीं है। मैं क्रियाशील मेंबर, प्रांतिक सदस्य, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं सदस्य था। इसके लिए मुझको आज कांग्रेस पार्टी से और प्रांतिक सदस्य से मैंने आज इस्तीफा दिया।